हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितिक स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने जो है हेडर जो होता है ग्रिड व्यू का, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स कैसे डिस्प्ले करवाना है, और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रन टाइम के ऊपर कैसे हमने जो है करंट डेट है जो हमारे सिस्टम की वो डिस्प्ले करवानी है। तो उसके साथ मैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस यूज़ कर रहा हूँ, टू मार्क अटेंडेंस फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट, कि किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो है कैसे हमने अटेंडेंस को मार्क करवाना है। जैसे मेरे पास ये ऑलरेडी एक रनिंग प्रोजेक्ट है, पहले मैं आपको इसकी रनिंग वर्किंग बता दूंगा। इसकी वर्किंग बताने के बाद फिर आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ईजी वे के साथ जो है सिंपल कोडिंग के थ्रू जो ये कम्प्लेक्स प्रोग्राम है वो डिवेल्प कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करके देख लेते हैं। तो मेरे सिस्टम की जो तारीख है वो है 14 मई, तो वो ऑटोमेटिकली जो है फिल हो चुकी है ग्रिड व्यू के हेडर के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर। और अब चलिए इस डेट के अंदर जो मेरी अटेंडेंस है वो मार्क कर लेते हैं। तो पहले स्टूडेंट को मैं एब्सेंट कर देता हूँ, दूसरे को प्रेजेंट कर देता हूँ और तीसरे को भी एब्सेंट कर देता हूँ। तो इसको सेव के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा सारा डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। तो चलिए वो डेटा कैसे सेव हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं टेबल है जो यूज़ कर रहा हूँ, स्टूडेंट अटेंडेंस। तो जैसे ही मैं इसके ओपन करूँगा, ये देखिए 101 विकास है, उसकी जो 14 मई 2017 वाला कॉलम है उसके अंदर एब्सेंट आ चुकी है। 102 के अंदर हरिति है, उसकी प्रेजेंट हो चुकी है। 103 के अंदर सविता है, उसकी एब्सेंट मार्क हो चुकी है। तो ये वाला कॉलम जो है फिल हो चुका है अकॉर्डिंग टू माई करंट डेट। सिस्टम की जो डेट होगी उस कॉलम में जो है डेटा सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे डेटाबेस का नेम है अटेंडेंस एग्जांपल, उसके अंदर मैंने दो टेबल यूज़ किए हैं। तो एक टेबल जो है वो है स्टूडेंट डिटेल। तो इसका मैं डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने बस दो कॉलम यूज़ किए हैं, एक रोल नंबर और एक स्टूडेंट का नेम के लिए कॉलम। तो इसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो है स्टूडेंट की लिस्ट जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है, ये टू कॉलम्स के अंदर डिस्प्ले करवाई है। तो ये सारी जो डिटेल है इस टेबल में से रिट्रीव हुई है। और जो मार्क करने के लिए मैंने यूज़ किया है मेरा जो टेबल वो है स्टूडेंट अटेंडेंस। तो स्टूडेंट अटेंडेंस का डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे स्टूडेंट अटेंडेंस का डिज़ाइन है, मैंने एक रोल नंबर वाला कॉलम यूज़ किया है, एक नेम, और तीन जो है मेरे जो तारीख हैं उनके अकॉर्डिंगली मैंने कॉलम सेट किए हैं। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ज़ीरो ज़रूर लगाना आप, किसी भी मंथ के सिंगल डिजिट के साथ जीरो लगाना इम्पॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर याद रखना आप। तो इसके अंदर जो डेटा आपने रन टाइम पे सेव हुआ है वो ये है। तो प्रोजेक्ट को चलाने से पहले आप इसको एक बार जो है ब्लैंक कर दें इस पूरे टेबल को। तो मैं इस टेबल को पूरे को ब्लैंक कर देता हूँ। तो इसकी जो रोज है वो डिलीट कर देते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस की। तो ये देखिए जो सारा टेबल है मैंने ब्लैंक कर दिया है। तो ये देखिए मैंने सारा जो टेबल है वो ब्लैंक कर दिया है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि कैसे हमने जो है ये वाला प्रोजेक्ट है जो डेवलप करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, न्यू, और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे अपने आज की एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे लोकेशन आपने असाइन करनी है कि कहाँ आपने ये वाला प्रोजेक्ट जो है सेव करना है, और नेम के अंदर एप्लीकेशन का नेम लिख देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायनेमिक हेडर टेक्स्ट बॉक्स। तो अब क्या करना है, यहाँ से हमने सिलेक्ट करनी है ASP.NET वेब एप्लीकेशन और इसको ना
स्टूडेंट जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, तो चलिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं राइट क्लिक माउस की हेल्प के साथ और ऐड, और एक नई आइटम ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमने एक नया वेब फॉर्म ऐड करना है, ब्लैंक वेब फॉर्म। तो यहाँ से वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपने वेब फॉर्म का नेम जो है वो टाइप कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, कोडिंग करने से पहले उसका डिज़ाइन पार्ट जो है क्रिएट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपको बताता हूँ कि डिज़ाइन पार्ट के अंदर आपने क्या का जो है डिज़ाइन जो है इसका इम्प्लीमेंट करना है। तो टूल बॉक्स में से सबसे पहला जो कंट्रोल है वो मैं यूज़ करूँगा लेबल कंट्रोल। जैसे ही मैं लेबल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा कंट्रोल जो है वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स में इसकी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और अब ये जस्ट मैंने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ किया है हरिति स्टडी हब। अगर आपने मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बढ़िया बढ़िया ट्यूटोरियल जो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है वो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर मैं जो है अपना एग्ज़ाम्पल का जस्ट नेम लिख देता हूँ या कह सकते हो कि सिंपली उसकी इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ कि एग्ज़ाम्पल है क्या, डायनेमिक हेडर विथ टेक्स्ट बॉक्स इन ASP.NET। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने टूल बॉक्स में से ग्रिड व्यू एक कंट्रोल है डेटा कैटेगरी के अंदर, उसको ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि उसको हमने यूज़ करना है। तो उसको कॉन्फ़िगर करने से पहले अपना डिज़ाइन पार्ट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हमने एक बटन इंसर्ट करना है और बटन के ऊपर जो है हम अपना जो टेक्स्ट है वो लिखेंगे सेव, और उसके बाद में एक और टेक्स्ट बॉक्स हम यूज़ करेंगे। टूल बॉक्स में आपको अवेलेबल है टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी लेबल, टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेबल लेना है आपने, जस्ट मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए जब हम डेटा को सेव करेंगे तो इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको ब्लैंक कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, ग्रिड व्यू को, ग्रिड व्यू का जो डेटा है उसमें फिल करने के लिए सबसे पहले एक एसक्यूएल डेटा सोर्स यूज़ करेंगे। एक कंट्रोल है जो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाएगा, इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू कनेक्शन, और यहाँ पे अपने सर्वर का नेम लिख देते हैं। मेरे सर्वर का नेम है विकास PC SQL Express, और यहाँ से हम अपने डेटाबेस का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं जो SQL सर्वर में हमने क्रिएट किया है। तो मेरे जो सर डेटाबेस का नेम था वो था अटेंडेंस एग्जाम्पल, इसको टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल कनेक्शन सही है, ओके। इसको नेक्स्ट कर देता हूँ एक बार, फिर से नेक्स्ट। और जो नेम और रोल नंबर स्टूडेंट्स के रिट्रीव करने हैं वो हमने उसके लिए टेबल यूज़ करना है स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पे स्टार के इसको चेक कर डिफ़ॉल्ट ही रहने देना क्योंकि सारी ही रोज़ और कॉलम हम रिट्रीव करना चाहते हैं। तो एक बार टेस्ट क्वेरी करके देख ले, तीनों ही रोज़ और दोनों कॉलम आ चुके हैं हमारे पास, और अब हम फिनिश कर देंगे और हमारा जो SQL डेटा सोर्स है वो कन्फिगर हो चुका है। तो चलिए जो हमारा ग्रिड व्यू है उसको भी कन्फिगर कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी स्कीम है
इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से मैं अपना जो डेटाबेस है और डेटा सोर्स है वो मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया था वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो दो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारी पूरी हो चुकी हैं, रोल नंबर और एस नेम मतलब स्टूडेंट का नेम। तो इनके जो हेडर टेक्स्ट हैं वो हम चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर और नीचे लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। और जो थर्ड वाला कॉलम हमने क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है टेम्पलेट फील्ड। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इसी के अंदर ही हम हेडर को यूज़ करके टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। इसको मैं ऐड कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास जो है तीन कॉलम्स आ चुके हैं। तो दो कॉलम ऑलरेडी हैं, इनकी अलाइनमेंट भी सेट कर देते हैं। तो पहले रोल नंबर की अलाइनमेंट सेट कर देते हैं, इनको सेंटर्ड कर देते हैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। फिर स्टूडेंट की जो अलाइनमेंट है वो भी सेंटर्ड कर देते हैं। इसी तरीके से फील्ड की जो अलाइनमेंट है वो भी सेंटर्ड कर देते हैं ताकि जो सारा डेटा कॉलम के अंदर है वो सेंटर्ड अलाइंड हो जाए। तो अब हमने जो एडिट टेम्पलेट के अंदर जाना है और यहाँ पे सबसे पहले जो आइटम टेम्पलेट है उसमें हमने जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट को इंसर्ट करना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। और इसके एडिट आइटम में जाकर यहाँ पे दो जो है आइटम्स ऐड करेंगे, एक प्रेजेंट और एक एब्सेंट। आप चाहें तो लेट वाला भी एक फंक्शन है जो ऐड कर सकते हैं। ओके, और इसको मैं हेडर टेम्पलेट के अंदर जाऊंगा और हेडर टेम्पलेट के अंदर सबसे पहले लिखूंगा डेट और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर दूंगा। तो जो टेक्स्ट बॉक्स का मेरा नेम है वो है टेक्स्ट बॉक्स वन। हमारा जो है ये भी कन्फिगर हो चुका है, इसको एंड कर देते हैं। तो ये देखिए डिज़ाइन पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसकी कोडिंग करनी है। तो कोडिंग मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है, वैसे मैं कोडिंग आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं कोडिंग को। सबसे पहले सेव के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए दो सबसे इम्पॉर्टेंट नेम स्पेसिस हैं वो यूज़ करेंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। और ये दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नेम स्पेसिस। और जो कोडिंग हमने करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कोडिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो सबसे पहले जो कोडिंग है हमारी वो है कि हमने यूज़र डिफाइंड जो एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये सारी कोडिंग आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पे अपने जो बटन क्लिक इवेंट के बाहर हमने ये फंक्शन एक क्रिएट करना है इंसर्ट डेटा। तो जो डेटा मैं पास करूँगा इसको जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, आज जो करंट डेट है वो क्या है और स्टूडेंट का स्टेटस क्या है, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, तो उसको ये डेटाबेस के अंदर जो है इंसर्ट कर देगा इस वाली इंफॉर्मेशन को। तो डेटाबेस कौन सा है, अटेंडेंस एग्जांपल, और टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट अटेंडेंस। तो ये आपने देखना है कि इंसर्ट कैसे करना है। तो उसके बाद जो कोडिंग है वो है जो बटन सेव वाला बटन है उस पर अगर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, उसके लिए मैंने ये कोडिंग करके रखी हुई है। सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि जो सी डेट है वो क्या है। तो वो हमारे पास जो फाइंड आउट होगी वो होगी ग्रिड व्यू के हेडर रो से। तो उसके बाद में हमने हर एक रो को इटरेट करना है और वहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और पर्टिकुलर रोल नंबर और नेम के अंदर जो है ये वाले फंक्शन को कॉल करके उसकी वैल्यू को इंसर्ट कर देना है कि पर्टिकुलर रोल नंबर और जो स्टूडेंट नेम है उसकी जो मार्क स्टेटस है वो क्या है, वो सेव कर देंगे। तो ये हमने रो बाय रो जाना है और लास्ट में लिख देंगे डेटा हैज बीन अपडेटेड।
तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब हमारा पेज ओपन हो पहली बार, तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपने आप ही जो है जो सिस्टम की करंट तारीख है वो अपने आप इंसर्ट हो, उसके लिए हमें इसका इवेंट यूज़ करना पड़ेगा। आप सबसे पहले ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके इस इवेंट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कोडिंग करेंगे रो डेटा बाउंड। तो ये आप ज़रूर याद रखें, रो डेटा बाउंड ऐसा इवेंट है जो तब कॉल होता है जब आपका ग्रिड व्यू बनता है। तो जब भी आपका ग्रिड व्यू बनने लगे तो आपने इस कोडिंग को यूज़ करना है। जब भी आपकी रोज़ बनेंगी तो सबसे पहले वो देख लेगा कि हेडर रो बन रही है, अगर बन रही है तो वो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है उसको किसके इक्वल कर देगा, आपकी जो आज की तारीख है सिस्टम की उसके इक्वल। तो ये हमारी एक कोडिंग है जो हमने की हुई है, काफ़ी सिंपल कोडिंग है। तो ये कोडिंग सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट है, तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आपके जो हेडर के अंदर टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो सिस्टम की करंट जो तारीख है या डेट है वो आ चुकी है। तो ये मेरे पास तीनों ही जो कॉलम के अंदर जो रोज के अंदर डेटा फिल हो चुका है। तो मैं अब इन तीनों को क्या करता हूँ, पहले दो को एब्सेंट कर देता हूँ और लास्ट वाले को प्रेजेंट कर देता हूँ और इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास मैसेज भी डिस्प्ले हो चुका है, डेटा हैज बीन अपडेटेड। तो चलिए एक बार आपको मैं डेटाबेस के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। और अपने सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा जो सर्वर के साथ कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। तो डेटाबेस देख लेते हैं हमारा। मेरा जो डेटाबेस था वो था अटेंडेंस एग्जांपल, और इसके अंदर जो टेबल था वो था स्टूडेंट अटेंडेंस। और इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले दो की एब्सेंट की थी और लास्ट वाले की प्रेजेंट। तो वही चेंजेस हमने डेटाबेस के अंदर देखनी है कि सेव हुई है कि नहीं हुई है। तो ये देखिए स्टूडेंट जो मेरा रोल नंबर है 101 विकास, और उसका जो 14 मई 2017 को एब्सेंट शो हुई है, और यहाँ पे भी मैंने एब्सेंट की थी, और सेकंड वाले की भी एब्सेंट है और थर्ड वाले की जो है प्रेजेंट है। तो इस तरह जो मेरा डेटा है वो इस तारीख को जो मेरा कॉलम था वहाँ पे सेव हो चुका है। तो ये जो एग्जांपल थी ये मैंने ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी बाय मेल भेज के कि ऐसा प्रोग्राम आप डेवलप करके दिखाएं। तो ये जस्ट मेरे वो सब्सक्राइबर के लिए है प्रोग्राम। तो आप भी अगर किसी प्रोग्राम में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं तो आप मुझे बाय मेल अप्रोच कर सकते हैं, तो मैं उस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करके एज ए वीडियो ट्यूटोरियल अपने चैनल के ऊपर सब अपलोड करूँगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।